हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे अनदर व्लॉग में। मैं हूँ मूनशाइन। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जैसी मैं हूँ। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में, जिसकी शुरुआत शाम के करीबन 6 बजे से हो रही है। और आप देख सकते हो मैं बाहर इस टाइम जो हमारा चूल्हा है लोहे का बना हुआ, उसके पास बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये इवनिंग टाइम है और कुकर की सीटी भी बज चुकी है। तो कुकर की सीटी को बजने देते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। कुकर की सीटी तो पता नहीं कब तक बजती रहेगी। तो इवनिंग का समय हो रहा है और जो खाने की है वो तैयारियां चल रही है। कुकर में इस टाइम चाची ने दाल चढ़ा रखी है। तो जो शाम का जो डिनर रहता है वो यहाँ पे बाहर ही बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो घर के अंदर का किचन है उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ ओपन में खाना बनाया जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आपका डिनर होता है। तो आज हम लोग भी उसी को प्रिपेयर कर रहे हैं, और मैं और मेरी चाची हैं घर पर इस टाइम पे, बाकी सब लोग इधर उधर गए हुए हैं। और इस टाइम पे मैं जो नेचुरल कॉयल रहता है, ये जिसे आप कंडे भी बोलते हो और पहाड़ी भाषा में इसे गोश्ते कहा जाता है, तो इसको मैं रेडी कर रही थी ताकि आसपास मच्छर ना लगे हमारे। तो ये मेरे जो कंडे हैं वो रेडी हो चुके हैं, और मैं इसको लकड़ी को थोड़ा ऊपर लगा देती हूँ ताकि ये सही से जलती रहे और हमारी दाल पक जाए। तो इसको मैं चेयर के पास रख देती हूँ जहाँ पे हम लोग बैठेंगे। फ्रेंड्स जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं वो एक बाग है, आम का बाग। और यहाँ पे इस टाइम जितने भी आम के पेड़ हैं वो पूरे के पूरे आम से भरे हुए हैं, लदे हुए हैं। जो पके हुए आम होते हैं वो सारे टपक टपक के नीचे गिर रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितने यहाँ पे आमों पे आम पे पेड़ सॉरी आम के पेड़ों पे आम लगे हुए हैं। तो ये देखिए, देख सकते हो इस साइड को ये सारे आम लगे हुए यहाँ पे। और इधर देखिए, ये देखिए गर्मी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन नेचर के बीच रहना अच्छा लगता है हर किसी को। तो मैं भी 3-4 दिन हो गए यहाँ आके, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग नीचे वाले घर गए थे मैं और रिशु। तो वहाँ से जो हम लोग आम लेके आए हैं हमारे अपने पेड़ के, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सामने बाल्टी में उसने धो के रख दिए हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको कितने ढेर सारे आम इन लोगों ने तोड़ के रखे थे और पकने के लिए नीचे छोड़ दिए थे, नेचुरल तरीके से पकाने के लिए। और जो उनमें से पक गए थे आम वो हम लोग लेके आ गए। तो ये देखिए जो अभी हम लोग आम लेके आए थे नीचे से, ये पूरी की पूरी बाल्टी भरी हुई है और ये धो के रिशु ने रख दिए हैं, और ये आज डिनर के बाद सब लोग खाएंगे तो खूब मज़ा आएगा। सारे के सारे पके हुए आम हैं। और इधर हमारे चाचा जी भी ड्यूटी से आ गए अभी, और मेरा भाई भी आ गया। फ्रेंड्स जो मेरे चाचा और मेरा भाई इस टाइम घर पर हैं, तो वो कुछ काम कर रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप पीछे के साइड देख सकते हो लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। तो इनको ये काम दिया गया है कि ये लकड़ियाँ यहाँ से उठा के उस साइड को रखनी है। तो देखते हैं कैसे मेरा भाई ये उठाता है। हैं चाचा ने ला रखी, कहाँ से ला रखी लकड़ियाँ ये सारी? डेयरी फार्म से।
तो ट्रैक्टर में लाए होंगे। अच्छा तो सारी की सारी उधर रखनी है, ये उठा लेगा एक एक। भारी तो नहीं है, भारी तो नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। यहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ है वो सारी स्टोर करके रख दी जाती है, बरसात के लिए काम आती है। ये देख सकते हो आप, सारी की सारी लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे ज़्यादातर खाना चूल्हे पे ही बनता है, तो लकड़ी का इस्तेमाल अच्छे से हो जाता है। इतनी बड़ी मैंने जा लूंगी, खोल के यार कंधे पे रखनी पड़ेगी इसे, रख दे। देखते हो मैं भी काम कर रही हूँ, यहाँ पे लकड़ी उठा के ले जा रही हूँ, एक हाथ से होगी, देखा पावरफुल हूँ मैं भी। चाचा मैं भी ले आई, रुड़ा रुड़ा रुड़ा, बच गई, गिराई नहीं मैंने। फ्रेंड्स दो तीन लकड़ियाँ उठाई और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। हमारे बस का ये काम नहीं है, जोश में तो उठा लिया लेकिन गिरने वाली थी लकड़ी, तो चाचा तब तक सामने आ गए। ये देखिए ये हैं पग्गू, इसको पग्गू बोला कहा जाता है, पग्गू ही नाम रखा है, पग है तो इसको पग्गू ही बुलाते हैं। वैसे ये फीमेल है और हमारे घर पे इसको काफ़ी अच्छा लगता है, यहीं पे रोटी वगैरह भी खा लेती है बहुत बार, और ठंडे में फर्श पे बैठी रहती है, तो इसका हमारे घर पे आना जाना लगा रहता है। और जो हमारी दाल अभी तक पक रही थी वो चाची अंदर लेके जा चुकी हैं, वो शायद पक गई हैं, उसमें में छौंका लगाना होगा तो वो घर में ही लगाया जाएगा। और यहाँ पे अब जो तैयारी हो रही है वो रोटी बनाने की हो रही है। फ्रेंड्स ये हैं काकू और ये आज स्कूल फर्स्ट डे गए थे विदाउट होमवर्क, तो इनकी पिटाई नहीं लगी और ये बहुत खुश हैं कि आज इनकी पिटाई नहीं लगी, ये नाच नहीं लगी। आज पांच ही बच्चे आए हुए थे, बट नेक्स्ट डे के लिए रेडी रहना। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरी कज़न लोग जो बिजी थी, वो देखो रेडी हो रही है वहाँ पे। ये लोग गए हुए थे लाइब्रेरी, ये सब सुबह के गए हुए थे दोनों के दोनों लाइब्रेरी, और अभी आए हैं लौट के, दिन भर बेचारे पढ़ाई करते रहते हैं। ये देखिए इनसे ही मिलिए, ये भी पढ़ाई करती है। ये देखिए फ्रेंड्स ये देखिए जो यहाँ पे लकड़ी का ढेर लगा हुआ था वो सारा का सारा अब ख़त्म हो चुका है, दो चार लकड़ियाँ बची हुई है, सारी की सारी उधर स्टोर कर दी गई है। और मैं इस टाइम पर अपनी जो चाय है उसे इंजॉय कर रही हूँ, चाची ने अभी मेरे को बना के दी चाय। तो फ्रेंड्स चाची जो है उन्होंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी, इससे पहले वो चाय बना के हम सबको दी। बस बैठ जा, बैठ जा, बस आराम से बैठ। ये यहीं पे रहती है हमारे आंगन में, इसको पसंद है हम सबके बीच में रहना। और चाची जो है इसके लिए रोटी वगैरह रखी रहती है और ये यहीं पे बैठ के खा पी के अपने घर जाती है ना। चल जा आप, जा बस जा ना, अब क्या पूरे वीडियो में आएगी जाएंगी नहीं, अब आ जा। रोटी रोटी चाहिए इसको, आने दे पूरी खा, रोटी खानी है गरम गरम। देखो बाबा हमारे आम पक गए। इस तरह से यहाँ पे कालसी में जो डिनर वगैरह है वो बाहर बैठे हुए रेडी किया जाता है, और सबके सब यहाँ पे अभी बाहर बैठे हुए हैं, दादी चाचा जितने मेरे कजन है सारे के सारे बाहर बैठे हुए हैं।
तो हमारा जो पहाड़ी खाना जो खाना बन रहा था बाहर चूल्हे पे, वो सारा रेडी हो चुका है और चाची जितना सामान थी वो सारा का सारा अंदर लेके चली गई हैं। बस बाहर हमारे अभी आम रह गए हैं जिनको हम अंदर थोड़ी देर में ले जा लेंगे। और अब बाहर अंधेरा भी हो चुका है और हम लोग थोड़ी देर करते हैं गपशप पीछे इधर बैठ के। और इस वीडियो को मैं अब करती हूँ यहीं पे एंड। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।